बिकॉज हमारा नाक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे. तो आपके जो ना, अगर आपका नेजल चैम्बर हेल्दी है तो उसके ऊपर एक प्रोडक्ट लाया गया है, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, तो आइए देखते हैं. बट क्या हम अपने नाक का ख्याल रखते हैं? माय डियर फ्रेंड, आज अगर मैं बात करूं, नाक भी हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे फेस का, हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम ब्रीद, सांस लेते हैं नाक के द्वारा. हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं. इट्स अ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें पता भी नहीं चलता, हम सोते भी हैं, हमारे नाक से सांस आ रहा है जा रहा है. ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो दिन भर हम करते रहते हैं. अब होता क्या है, जब आप खाना खाते हैं, कोई चीज आपके पेट के अंदर जाती है, तो पेट के अंदर जो एसिड होता है, स्टमक एसिड होता है, वो जर्म्स को मार देता है. बट जब हम सांस लेते हैं, हम खाना कुछ देर खाते हैं लेकिन सांस हम दिन भर लेते हैं, तो ये जो हमारे नाक के अंदर से जो हवा जा रही है, उसमें भी तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, उसमें भी कीटाणु हो सकते हैं. इसीलिए हमारे नाक के अंदर के जो सेल्स होते हैं, उसमें सॉफ्ट एपिथेलियन सेल्स जो होते हैं वो लाइंड होते हैं नेजल हेयर से, ऐसे बाल होते हैं यहाँ पे, ताकि जो भी चीज आपके डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी चीज आपके नाक से जब अंदर जा रही है सांस के थ्रू, तो उसको जो हेयर्स होते हैं, कुछ म्यूकस सेक्रेशन होता है, एक चिपचिपी सी चीज होती है जो डस्ट पार्टिकल्स या जर्म्स को पकड़ के रख लेती है. तो हमारा ये जो नॉस्ट्रिल है वो आगे जाकर हमारे विंड पाइप से कनेक्ट होके हमारे लंग्स से कनेक्ट हो जाता है. तो आप ये सोचिए, जब हम सांस लेते हैं, बहुत सारे जर्म्स कीटाणु तो हमारे अंदर जाकर हमारे लंग्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं. इसीलिए जो पूरा नेजल चैम्बर्स है, इसको ये स्पेशल प्रोटेक्टेड, ये जो पैरा नेजल कैविटी है वो स्पेशल प्रोटेक्टेड होता है, और उसमें उसको मॉइस्ट रखने के लिए कुछ सेक्रीशंस होते हैं जो कीटाणु को, म्यूकस होता है जो कीटाणु को पकड़ लेता है, आपके नाक और कान के बीच में एक प्रेशर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, और हमारे जो नाक के अंदर के जो बाल होते हैं, अंदर कुछ ऐसे नेजल हेयर्स होते हैं जो डस्ट को, पोल्यूटेंट्स को, पार्टिकल्स को, इन सबको पकड़ के रख लेता है, ताकि जो हवा अंदर जा रही है ऑक्सीजन लेकर, उसमें अगर कुछ जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, तो आपके लंग्स इफेक्ट ना हो. तो इसके लिए ये हमारे उसको प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है. लेकिन आजकल नासिका, मतलब नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे पहली बात, कुछ चीजें हैं जो हमें मेंटेन रहनी चाहिए. वो क्या है? मॉइस्चर प्रॉपरली मेंटेन रहना चाहिए. जैसा आप देख रहे हैं, ये हमारे नाक के अंदर की जो सेल्स है, यहाँ पे कुछ ऐसे बाल सी चीजें हैं, और ये जो ब्लू ब्लू चीजें आप देख रहे हैं, ये एक म्यूकस, एक जेल जैसी चीज होती है जो हमारे नेजल चेम्बर को, हमारे नाक के अंदर से जो ये लंग्स के तक जो पाइप जा रही है, उसको ये मॉइस्चर करने के लिए, उसको ये मॉइस्चर देने के लिए, वो एक जेल जैसा सेक्रेशन होता है जो डस्ट पार्टिकल्स को भी पकड़ के रखने में हेल्प करता है. इसीलिए आयुर्वेद या नेचुरोपैथ में जल नेति भी सजेस्ट किया जाता है. जल नेति से हम हल्का ल्यूक वॉर्म वाटर अपने इस नॉस्ट्रल से डालते हैं और इस नॉस्ट्रल से बाहर निकालते हैं, जो हमारे नेजल चेम्बर को क्लीन करने में हेल्प करता है. हमारा नेजल चेम्बर इन्फेक्शन से दूर रहना चाहिए, बिकॉज ये हमारा एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट है. इट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड. उसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, बिकॉज हम हर वक्त सांस ले रहे हैं, बहुत सारे जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो वो अगर वेल प्रोटेक्टेड होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, हमें कुछ इन्फेक्शन होता है, आपने बहुत सारे टाइम पे देखा होगा, जब हमें कुछ इन्फेक्शन होता है, हमारे नाक से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, नाक बहनी स्टार्ट हो जाती है, एक लिक्विड जैसी चीज हमारे नाक से आने लगती है, वो क्या होता है, वो इन्फेक्शन में जो बहुत सारे बैक्टेरियाज हैं वो होते हैं, डेड प्लेटलेट्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और वो सब हमारे नाक से निकलने लगते हैं. और कभी कभी आपने ये भी महसूस किया होगा, हमारी नाकें ब्लॉक हो जाती है, सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये म्यूकस सेक्रेशन होने लगता है, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं. नाक एकदम ही ब्लॉक हो जाती है, सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, रात में सो नहीं पाते, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, विच इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. और अभी के टाइम पे, जो भी विंटर्स आ रहे हैं, अभी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम साल भर लगी रहती है, जिनको कुछ इन्फेक्शन या एलर्जीज होती है. बट कुछ लोगों को वेदर चेंज होता है तो ये प्रॉब्लम लगी रहती है. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? वी हैव अ हर्बल स्पेशलिस्ट जो हमारे नोज को इन सारे इन्फेक्शन से दूर रखता है, और उसका नाम हमने रखा है प्रो नासिका. प्रो स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन, नासिका मीन्स आपके नोज, आपके नॉस्ट्रल्स, जो हमारे नाक का जो नेजल पैसेज है उसको प्रोटेक्ट करता है. बट मैं बोलूंगी प्रो मतलब समवन हु इज अ स्पेशलिस्ट,
प्रो है ये प्रोडक्ट जो आपके नेजल चैम्बर्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले इसमें हमने अनंत मूल एक्सट्रैक्ट डाला है जो आपके नाक को एक नेजल एक कूलिंग इफेक्ट देता है। अगर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो उसको लड़ने में हेल्प करता है। और नेजल डायलेटर, हमने हमेशा महसूस किया होगा कि जब भी हमारी नाक ब्लॉक होती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, तो आपके नेजल चैम्बर्स को ना डायलेट कर देता है, चौड़ा कर देता है, जिसकी वजह से हमारा नाक खुल जाता है और आप अच्छे से ब्रीद कर पाते हैं। इसमें हमने तीन ऑयल का कॉम्बिनेशन डाला है, जिसमें यूकेलिप्टस ऑयल, मिंट ऑयल एंड टी ट्री ऑयल, जो एंटी बैक्टीरियल है और बहुत सारे टाइम पे कभी कभी कुछ चीजें जब इन्फेक्शन हो जाता है, इरिटेशन होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, आपके नेजल को डायलेट कर देता है। और बहुत सारे लोगों को साइनस में आपने देखा होगा सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, ब्लॉक नोज, नाक ब्लॉक हो जाता है। अगर किसी को हल्का फुल्का भी माइनर सांस लेने में प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, रेस्पिरेटरी कंप्लेन है, इन दैट केस ऑल्सो ये तीनों ऑयल का कॉम्बिनेशन, ट्रिपल एक्टिव ऑयल का कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी हेल्पफुल। उसके बाद हमने इसमें कृष्ण सारेवा डाला है जो एंटी एलर्जिक एक्शन देता है। जब भी हम जल नेति करते हैं तो जल नेति में हमेशा ल्यूकोम वाटर में हल्का सॉल्ट ऐड किया जाता है, एंड सी सॉल्ट इज मोस्टली प्रेफर किया जाता है। तो सी सॉल्ट जो क्या करता है, अगर आपके जो नाक के अंदर की जो सेल्स है, उसके जो टिश्यूज है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर वो सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो प्रॉपर आपका म्यूकस सेक्रेशन नहीं होगा, आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो सी सॉल्ट आपका उसमें भी हेल्प करता है। एक चीज जो हम सबको पता होगी वो क्या है, वायरस एक ऐसी चीज है जो एक्चुअल में इनएक्टिव होता है। वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो या तो बैक्टीरिया के अंदर घुस के बैक्टीरिया पे जब एक वायरस उसको उसको अटैक करता है, तो बैक्टीरिया का जो कॉकपिट होता है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कॉकपिट कह सकते हैं, और अगर साइंटिफिक नॉलेज में मैं बात करूं तो उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसको वो हाईजैक कर लेता है, उसके सारे मटेरियल को हाईजैक कर लेता है, वायरस वहां पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। और तब हमारी बॉडी में जब ये बैक्टीरिया जाता है तो हमारे लंग्स में जाकर इन्फेक्शन क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो वायरस एक्चुअली में इनएक्टिव होता है, बट वो हमारी बॉडी में जब अंदर आता है तो हमारे सेल्स को हाईजैक कर लेता है, बैक्टीरिया को हाईजैक कर लेता है, और फिर वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए हम प्रोनाशिका से क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, हमारे नाक के थ्रू अगर कोई वायरस अंदर जा रहा है तो उसको वो प्रिवेंट करेगा, उसको मारने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज, बहुत सारे केसेस में हमारी नाकें जाम हो जाती है, क्लॉग नोज का प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है, तो ये आपके नेजल को, नेजल पैसेज को डायलेट कर देता है। इसका नेजल डायलेटर तो उसको थोड़ा सा डायलेट कर देता है, चौड़ा कर देता है, और आपको सांस लेने में रिलीफ मिलता है। और अगर बहुत सारे इन्फेक्शन ना आज हमें सांस के अंदर ना उसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, तो उन इन्फेक्शन से भी ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। किसको दे सकते हैं, कस्टमर कौन है इनके, जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, 8 साल के ऊपर के बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में सर्दी वर्दी हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बच्चे बेचारे रात में सो नहीं पाते, आप उनको भी दे सकते हैं। 12 साल के ऊपर का बच्चा है, 1 से 2 टाइम दे सकते हैं, और 8 से 12 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो आप इसके जो आप पैकेज पे देखेंगे तो वहां पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए, तो प्लीज फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। हर 6 घंटे पे आप 1 से 2 ड्रॉप डाल सकते हैं। अगर आपका नाक बहुत ज्यादा जाम हो गया है, नॉर्मली होता क्या है, जब हमारा नाक बहुत ज्यादा ब्लॉक हो जाता है तो सिर में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो 1 से 2 ड्रॉप हर 6-6 घंटे पे आप डालते रहिए, आपके ब्लॉक नोज को ओपन कर देगा और हेडेक को भी प्रिवेंट करता है, उसको खत्म करता है। और एक चीज आप अपने डे टू डे लाइफ में ऐड कर सकते हैं, वो क्या है, अभी पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप जॉब पे जा रहे हैं, सब कुछ ओपन हो चुका है, आप जब घर पे वापस आते हैं तो आप एज अ प्रोटेक्शन भी इसको ले सकते हैं। डोंट वेट फॉर डिजीजेस टू कम कि बीमारी आ जाएगी तो देखा जाएगा, आप इसको एज अ प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। जैसे आयुर्वेद और नेचुरोपैथ में जल नीति वगैरह बोला जाता है रेगुलर कर सकते हैं, आप इसको भी रेगुलर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप घर आ रहे हैं जॉब से, काम से घर आ रहे हैं, तो 1-2 ड्रॉप डालकर फिर आप सो सकते हैं। या हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हर वक्त लार्ज गैदरिंग में रहते हैं, सेमिनार्स में रहते हैं, वर्कशॉप्स में रहते हैं, तो जब आप घर आ रहे हैं तो आप 1-2 ड्रॉप डाल सकते हैं, आपकी नेजल पैसेज को हेल्दी करने में हेल्प करता है।
एंड सेम हमारे आई एनर्जी की तरह, अगर आपने आज इसका प्रोडक्ट ओपन किया है तो 1 month के अंदर आप इसको यूज कर खत्म कर दें, 1 महीने के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दें। प्रोडक्ट ओपन करने के 1 month के बाद आप उसको यूज करना बंद कर दें, ताकि हम कम से कम चांसेस कंटामिनेशन के हो। तो ये आप कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस इस प्रोडक्ट को यूज करने में कर सकते हैं। कुछ चीजें जो हमें ध्यान देनी है वो क्या है, कोविड इन्फेक्शन के लिए हमें इसको रिकमेंड नहीं करना है। तो कोविड में हम कोई क्लेम नहीं करते हैं, और अगर आंखों में कभी कोई ड्रॉप चला जाए तो प्लीज तुरंत आंखों को अच्छे से वॉश करें, और ज्यादा ज्यादा पानी से उसको वॉश करें, आंखों में कोई भी इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। सो ये हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रो नाशिका है, एक आपके नेजल चेम्बर्स को, आपके नॉस्ट्रल्स को प्रोटेक्ट करता है, उसमें एक प्रो है, एक एक्सपर्ट है जो उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो दिस